नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक अनयूजुअल कंडीशन की, जिसको कहते हैं शोग्रेन सिंड्रोम। यह बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन जिसको यह बीमारी है उसके लिए तो यह बीमारी ही है। आज हम बताएंगे आपको इसकी 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में, जो इसमें काफ़ी आप हद तक आपको आराम दे सकती हैं। सबसे पहले साथियों, यह जान लें शोग्रेन सिंड्रोम होता क्या है। शोग्रेन सिंड्रोम आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन के ग्लैंड्स होते हैं उनका जब सिक्रीशन सस्पेंड हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, उस स्थिति को शोग्रेन सिंड्रोम कहते हैं। ये साथियों दो पार्ट्स के बॉडी के ड्राइनेस से ज़्यादा कैटेगराइज होती है, हालांकि बॉडी में ये कहीं भी हो सकता है। आपका ड्राई माउथ और ड्राई आइज, यानी आपका जो सलाइवा थूक होता है वह सूख जाता है, और आपकी जो आँखों के आंसू होते हैं, टीयर्स होते हैं, वह सूख जाते हैं। अगर यह दो कंडीशन आपको अपने में एक साथ महसूस हो रही हो, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपको शोग्रेन सिंड्रोम हो। यह महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और 40 साल के उम्र के ऊपर के व्यक्तियों में यह ज़्यादा पाया जाता है। फिर साथियों, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। शोग्रेन सिंड्रोम का दो सबसे अहम सिम्टम जो अभी हमने आपको बताए, एक ड्राई माउथ और एक ड्राई आइस। यह दो सिम्टम ऐसे हैं जो शोग्रेन सिंड्रोम में ज़रूर होते हैं। इसके अलावा आपकी ड्राई थ्रोट हो जाती है, आपको ड्राई कफ आने लगता है, आपके जॉइंट्स में पेन हो लगता है, वजाइना ड्राई हो जाती है, आपके टेंडरनेस आ जाती है, और आपके एब्डोमेन में जो है क्रैम्स आने लगते हैं। यह सारी दिक्कतें, साथ में इसमें रैशेज भी आ सकते हैं। तो यह साथियों इसके सिम्टम्स होते हैं जो आप जिनसे आप पहचान सकते हैं कि हो सकता है आपको शोग्रेन सिंड्रोम हो। फिर इसके कॉजेस क्या होते हैं, ये कुछ उत्सुकता मन में रहती है। ये साथियों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी जो आपके बॉडी के स्वयं के प्रोटेक्शन के लिए सेल्स होते हैं, इम्यूनिटी होती है आपकी, वह स्वयं में अपने सेल्स को बॉडी के डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और उसको डिस्ट्रॉय करने के कारण जो है वह सिक्रीशन आना बंद हो जाता है, और जब सिक्रीशन नहीं आता तो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाती हैं, और वह ड्राइनेस ही शोग्रेन सिंड्रोम होता है। यानी कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसका रीज़न आज तक अननोन है, बस आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वह ही आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। अब इसके कॉजेज हो गए साथियों, अब बात आती है कि अगर शोग्रेन सिंड्रोम हो गया है तो उसको कैसे कंट्रोल और ठीक करा जाए। होम्योपैथी में इसकी बहुत कारगर दवा है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मॉडरेट करके आपको काफ़ी आराम दे देती हैं कि आपका शोग्रेन सिंड्रोम ठीक हो सके। दवा बताने से पहले साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें से कोई भी दवा आप बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पूछे ना लें, क्योंकि भिन्न व्यक्ति के हिसाब से, भिन्न पेशेंट के हिसाब से दवाएँ भिन्न हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं, और जो दवा फ़ायदा करती है वह नुकसान भी कर सकती है। तो हमेशा दवा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के लें, स्वयं अपना मेडिकेशन ये वीडियो या कोई भी अन्य यूट्यूब वीडियो देखकर आप स्वयं मेडिकेशन ना करें। साथियों, अब चलते हैं सुहाने सफ़र पर। सुहाना इसलिए कि यह आपको फ़ायदा देगा। चलते हैं सुहाने सफ़र पर, आपको बताते हैं शोग्रेन सिंड्रोम ठीक करने के 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। साथियों, सबसे पहले बात आती है, जो हमने कहा इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता ही ड्राई माउथ है। आपके मुंह का सलाइवा जो है, ज़ीरोटोनिया, आपके मुंह का जो सलाइवा है वह बिल्कुल सूख जाता है, और आपको बहुत तकलीफ़ होती है। अगर साथियों यह स्थिति आपकी बनती है तो इसकी बहुत कारगर दवा है नक्स मॉस्काटा। नक्स मॉस का खास बात यह है कि मुंह इतना सूख जाता है कि आपको लगता है जवान आपकी ऊपर हलक में चिपक गई, गला आपका बिल्कुल सूख जाता है, और आपको चीज़ें निकलने तक में दिक्कत होने लगती है। इस स्तर की जब ड्राइनेस हो तो इसकी दवा नक्स मॉस्काटा है, यही आपको सही कर देगी और आपके सलाइवा सिक्रीशन को बहाल करने में बहुत मदद करेगी, आपको इससे बहुत आराम मिल जाएगा। दूसरी स्थिति साथियों इसी में आती है कि आपकी आइस ड्राई हो गई हैं, ज़ीरो थैलमिया, आपका बिल्कुल आंसू सूख गए हैं, आंसू ही नहीं आ रहे। तो अगर यह स्थिति साथियों होती है तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, जिसका नाम है बेलेडोना। बेलेडोना 200 पावर में दो दो बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं, जब आपके आंसू बिल्कुल सूख गए हों, टीयर्स ना आ रहे हों, आइज ड्राई हो गई हों, आइज में एक्सकोरिएटिंग पेन हो रहा हो, रेडनेस आ गई हो, और या रात में तकलीफें आपको ज़्यादा बढ़ रही हों।
यहाँ साथियों अगर आपको दिक्कत हो तो इसकी दवा जैसा मैंने बताया बेलेडोना 200 है, दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। तीसरी स्थिति साथियों आती है कि जब आपके जॉइंट्स पेन हो रहा हो, जॉइंट्स पेन के साथ आपके बॉडी में ड्राइनेस आ रही हो और आपको तकलीफ हो रही हो, जो कि शोगेन सिंड्रोम में हो सकता है। तो अगर यह स्थिति आपको होती है साथियों तो इसकी दवा रस्टॉक्स है। आप रस्टॉक्स 1000 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपको शोगेन सिंड्रोम के कारण जो आपके जॉइंट्स पेन हो रहा है, आपके जॉइंट्स के ड्राइनेस आ गई है, उस स्थिति को रस्टॉक्स आराम दे देगी आपके पेन को और आपको ठीक होने में सहायक होगी। एक स्थिति साथियों आती है कि जिसके शोगेन सिंड्रोम होता है उसके फटीग बहुत आ जाता है, फटीग यानी कि उसके थकान आ जाती है, वह थकने लगता है। यदि वह थकने लगता है तो उसके लिए बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 दो दो बूंद आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके स्किन में पूरी तरह ड्राइनेस आ गई हो, आपके फटीग यानी बहुत थकान आ गई हो, आपको तकलीफें रात में 12 से 4 बजे तक बढ़ती हों, आपको बेचैनी रहती हो, आपको उलझन रहती हो या आपको ब्लड शुगर हो और साथ में आपके शोगेन सिंड्रोम हो गया हो, इन स्थितियों में आर्सेनिक एल्बम से अच्छी दवा नहीं हो सकती, यह आपको जरूर आराम देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि जब आपके ड्राई कफ हो जाता है, क्योंकि आपका शोगेन सिंड्रोम में थ्रोट ड्राई होता है तो ड्राई कफ भी हो सकता है। तो अगर आपको ड्राई कफ हो रहा है, रात में ये ज़्यादा बढ़ रहा है और चलने से आपकी तकलीफें बढ़ रही हैं, तो इसकी बहुत ही कारगर मुफीद दवा है ब्राइनिया। आप ब्राइनिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपका कफ ड्राई है और साथ में आपको शोगेन सिंड्रोम है और थ्रोट आपकी ड्राई हो गई है, उसमें सोरनेस आ गई है, चलने से आपकी तकलीफें बढ़ती हैं, तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस ब्राइनिया 30 है। इसकी दो दो बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। फिर एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो गई हो, इची हो गई हो, तो अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है शोगेन सिंड्रोम के कारण, तो जो है इसकी बहुत ही कारगर दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg पावर की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके स्किन में ड्राइनेस हो, आपको मीठा खाना बहुत पसंद हो और आपको नहाना ना पसंद हो, आपके ड्राइनेस होने के बावजूद आप नहाना ना चाहते हो और आपकी स्किन में इतना ज़्यादा इचिंग हो रही हो, बिल्कुल ड्राई हो के खुरक ऐसी ड्राइनेस हो गई हो, तो इसकी दवा साथियों सल्फर है। आप सल्फर 1 mg 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आपको निश्चित रूप से शोगेन सिंड्रोम में आराम मिल जाएगा। एक स्थिति आती है साथियों कि शोगेन सिंड्रोम में वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, तो अगर शोगेन सिंड्रोम में वजाइनल ड्राइनेस हो जाए तो इसकी बहुत कारगर दवा सीपिया है। सीपिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकती हैं जब आपके वजाइनल ड्राइनेस हो गई हो, आपको क्वेश्चन यानी कि इंटरकोर्स करने में पेन होने लगा हो और आप जो है उससे परेशान हो गई हो और आप डिप्रेशन की तरफ जा रही हो, यह स्थिति साथियों अगर आपकी बनती है तो इसकी दवा आपकी सीपिया है। सीपिया 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। साथियों एक बात आपको बता दें, फिर से हम रिपीट कर दें कि कोई भी दवा बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के हेल्प के आप ना लें, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को प्रिस्क्राइब कराकर ही कोई भी दवा लें, क्योंकि हो सकता है आपके सिम्टम के हिसाब से दवाएँ भिन्न हो, क्योंकि इसमें तमाम दवाएँ ड्राइनेस के लिए आती हैं, ये कुछ ही दवा कवर करी गई हैं, दवाएँ इसके अलावा और भी हैं जैसे कि पल्सेटला हो गई, कार्बोवेज हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, तमाम ऐसी दवाएं हैं जो इसमें काम आ सकती हैं आपके सिम्टम के हिसाब से, आपकी स्थिति के हिसाब से, तो दवा हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही लें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी आपको संतोषजनक जवाब देने के लिए। अगर आपको यह वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें कि कोई भी वीडियो हो वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।